Yeah. I spit raps like a heart attack. Best fatal heart impact. Past painful scars. In fact, I blast tasteful bars and pass. I back up my actions. Fact don't match. Grab reactions. Jacked attack with every word. You act with class. As they hear me snap. Got nothing to lose. Chop! Bilkul chop! Himmat kaise hoy tere muh kholne ki? और भाई लोग क्या हाल चाल है, उम्मीद करता हूँ सब कुछ बढ़िया होगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप ओनली रेड हिट कैसे मार सकते हैं एनिमी को। प्रैक्टिकल करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, अगर आप ये चीज समझ जाते हैं तो आप प्रैक्टिकली आराम से रेड हिट मार सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं हेडशॉट मार सकते हैं किसी भी एनिमी को। आपके सामने एक फोटो आ चुका है, इस फोटो में आप देख सकते हैं कि हेड का एरिया को हेडशॉट एरिया कहते हैं और जो बॉडी का एरिया होता है बॉडी शॉट एरिया, और लेग का जो एरिया रहता है लेग शॉट एरिया। अब आप सोच रहे हो कि आपको हेडशॉट मारने के लिए इनमें से किस जगह गोली मारना चाहिए, तो ऑब्वियस सा बात है आपको हेड में मारना चाहिए। लेकिन आपका हर गोली हेड में तो लगेगा नहीं, और बाकी जितने भी प्रो हैं सब तो हेड में मारते नहीं है, बल्कि वो मारते हैं शोल्डर में, क्योंकि शोल्डर से आप यदि ड्रैग करेंगे ऊपर की तरफ तो आपका गोली हेड में लग जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका सेंसिटिविटी हाई रहना चाहिए, तब जाके आपका गोली हेड में लगेगा। क्योंकि आपका सेंसिटिविटी अगर लो है तो आप कितना भी ड्रैग कर लीजिए, आपका जो एम का पॉइंट है वो हेड तक पहुंचेगा ही नहीं और हेडशॉट नहीं लगेगा। ये तो बात हो गया जो आपको करना है। अब मैं आपको बताता हूं जो आपको बिल्कुल नहीं करना है, और वो ये है कि आपको कभी लेग में टारगेट नहीं बनाना है। क्योंकि आप अगर लेग में टारगेट बना के ड्रैग करते हैं ज्यादा से ज्यादा बॉडी शॉट लगेगा, जिसकी वजह से आपका जो रेड डैमेज का जो सपना है वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए आप कोशिश ही कीजिए शोल्डर से ड्रैग कीजिए, ताकि आपका जितना भी डैमेज है सारा का सारा रेड नंबर में आएगा। समझ रहे हैं बात को? तो चलिए अब आपको प्रैक्टिकली बताते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं ट्रेनिंग में आ चुका हूं, और सबसे पहले मैं एक गन ले लेता हूं, और गन में ले रहा हूं MP40 और थॉमसन, क्योंकि SMG रेड डैमेज के लिए सबसे बेस्ट गन होता है। तो आप देख सकते हैं जो एनिमी है उसको मारने के लिए आपको कोशिश ये करना है कि आपको सीधा खड़ा रहना है। जैसे कि मान लीजिए आप कूदते हैं कि गोली से बच रहे हैं, एक सेकंड के लिए आप खड़ा रहिए, उसका गन स्विच कीजिए। गन स्विच करने के बाद आपका टारगेट एकदम एनिमी के हेड में होना चाहिए, हेड के ऊपर भी नहीं चाहे हेड के नीचे भी नहीं, क्योंकि अगर आप हेड के ऊपर मारते हैं तो बॉडी शॉट लगेगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं बॉडी शॉट लगा। लेकिन आपको यदि हेड शॉट मारना है तो एम पूरा हेड में रहना चाहिए, और क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं रेड डैमेज का हेड शॉट लगा है। अगर मैं फायर बटन को क्लिक रखता हूं तो देखिए क्या होगा, ओनली रेड डैमेज पड़ रहा है। अब इसी चीज को अगर मैं चलते हुए करना चाहूँ तो मुझे शोल्डर में एम बनाना है, उसके बाद मुझे ड्रैग करना है ऊपर की तरफ। मैं आपको सेंसिटिविटी भी दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं कि मेरा फ्री फायर का सेंसिटिविटी बहुत ही कम है, क्योंकि मेरे इमुलेटर का सेंसिटिविटी बढ़ा के रखे हैं हम। फ्री फायर का सेंसिटिविटी कम है, फिर भी मेरा काम हो जा रहा है। अगर आप फोन में खेलते हो तो आपका सेंसिटिविटी 100 या फिर 95 तक होना चाहिए। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है और आप एक दिन ना एक दिन कामयाब हो ही जाएंगे। तो इस तरह से आप रेड डैमेज दे सकते हैं अपने एनिमी को, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा। बहुत ज़्यादा मतलब करीबन 1-2 महीना का आपको प्रैक्टिस लगेगा, उसके बाद आप इसमें एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और बहुत सारे वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।